आप जिसके बारे में सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं गलत विचार ना रखा करो, गलत सोच ना रखा करो, क्योंकि आप यदि गलत सोच पकड़ लिए तो वो गलत गलत सोचते सोचते ना एक दिन वो गलत आप कर बैठेंगे। जैसे कोई आत्महत्या करता है, फांसी लगा लिया, क्यों? उसने सोचा होगा ना पहले, मैं मर जाऊं क्या, मैं फांसी लगा लूं क्या, मैं मर जाऊं। जब आप सोचते हैं तो आप वैसा कर लेते हैं। आप सोचिए कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे काम करना है, मुझे बिजनेस करना है। आप सोचिए तो आप एक दिन सफल हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। आप ऐसा सोचेंगे तो आप सचमुच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे वाइब्रेशन आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, वैसे निगेटिविटी आपको बिल्कुल कैप्चर कर लेती है, जकड़ लेती है। मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर आप नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग जो है ना तैयार हो जाता है कुछ भी करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपका शरीर जो है ना, वो कैसा है? सेंसर की तरह काम करता है, करता है? रात को भी आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपके पांव में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ चढ़ रहा है, चूहा चढ़ रहा है कोई, तो तुरंत आप सिकोड़ लेते हैं, है ना? अचानक बिल्कुल बॉडी अपने आप रिएक्ट कर देती है, हाँ या ना? जैसे आंखों की तरफ कुछ भी आया अपने आप आंखें बंद हो जाएंगी, हाँ या ना? ऐसे ही शरीर जो है ग्रहण करता है चीजों को। जैसे कैमरा, कैमरा मोबाइल का कैमरा फोटो खींचता है, आपने फोटो खींच ली तो वो जाके मेमोरी में सेव हो जाएगी फोटो, तब तक रहेगी जब तक आप डिलीट नहीं कर दोगे, हाँ या ना? आपकी गैलरी भर जाती है कि नहीं मोबाइल की, फिर आप क्या करते हो? बोलो बोलो, मतलब की चीजें रखते हो और बाकी की चीजें सारी डिलीट मारते हो। मोबाइल तो आप साफ करते हो, डिलीट मारते हो, गैलरी में ज्यादा भर गया तो। लेकिन विडंबना देखो कि आप अपने दिमाग में जो गंदी चीजें हैं, नकारात्मक विचार हैं, गलत विचार हैं, आप उन्हें डिलीट नहीं करते, बस भर लेते हैं। अच्छे विचारों को रखिए, और गलत विचार आए हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल पर फोटो खिंच गई कोई बात नहीं, डिलीट मार दो ना, ऑप्शन तो है ना? नहीं, जैसे आपके मन में विचार आया चलो चोरी कर लेते हैं, वो फलाने के पैसे पड़े हैं उठा लेते हैं, ये गलत विचार है, आया है कोई बात नहीं आने दो, अब इसे डिलीट मार दो। अब क्या करेंगे? आपने उसे डिलीट नहीं मारा तो वो विचार अंदर रहेगा, आपने सोचा था चोरी कर लें चोरी कर लें चोरी कर लें, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप एक दिन चोर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगा कि आप कब चोर हो गए, हाँ या ना? आप अपने मन को जरा ढीला छोड़ दो, देखो कहाँ ले जाता है। आपने किसी लड़की को देखा, किसी लड़के को देखा तो विचार आता है, वाह ये कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर है, और जब विचार आया तो आपका मन उस लड़की या उस लड़के की तरफ खींचा चला जाता है, ये विचार है गलत, आया दिमाग में है, फिर आप क्या करेंगे? इसे डिलीट नहीं मारते तो फिर आप जिसको भी देखते हैं आपको आपका मन उस तरफ खींचा चला जाता है, लड़की की तरफ, लड़कों की तरफ, बार बार खींचता है बार बार, क्यों? क्योंकि वो गलत विचार जो पहली बार आया था उसे आपने डिलीट नहीं मारा, फिर वो बार बार आपको उसी तरफ ले जाएगा, और एक दिन जब आप डिलीट नहीं मारोगे
तो एक दिन वो विचार लड़की की तरफ जाते जाते, लड़के की तरफ जाते जाते, एक दिन वो कई बार गुनाह में तब्दील हो जाता है। क्या बन जाता है? गुनाह। ये जो बलात्कार होते हैं, क्यों होते हैं? बलात्कार करने वाले के मन में बलात्कार करने का पहले तो विचार आया होगा ना, कि डायरेक्ट उसने बलात्कार किया। डायरेक्ट बलात्कार होगा या पहले विचार आएगा? बोलो, विचार आएगा। जैसे ही विचार आया था वैसे ही उसने डिलीट मार दिया होता तो फिर आप बच जाता। वो नहीं मारा तो क्या? विचार आता है ना, आप हल्के में मत लो विचारों को। आप कैसे भी नहीं होते, ना आप अच्छे हैं ना आप बुरे हैं, आपके भीतर आने वाले विचार ये तय करेंगे कि आप अच्छे होंगे या आप बुरे होंगे। आप अच्छे नहीं हैं ना आप बुरे हैं, आप तो एक ढांचा है, पूरा खेल आपके विचारों का है। स्वामी विवेकानंद जी महान हो गए शरीर से कि विचारों से? शरीर से कोई महान होता है कि विचारों से? बोलो। शरीर तो सबका एक सा है लगभग, दो पांव, दो हाथ, दो आंखें, सेम आपका मेरा सबका, सबका खून लाल है, सबके पास मस्तिष्क है। राम और रावण दोनों हैं, दोनों की राशि एक है, राशि रावण राशि राम, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। और पूजा राम की नहीं होती, राम के विचारों की पूजा होती है, विचारधारा की पूजा है। इसलिए कहता हूं कि गलत, आप लोग कहते ना महाराज जी हमारे अंदर गलत गलत थॉट आते हैं, मींस गलत विचार आते हैं, हम गलत सोचते हैं, बार बार हमारा मन गंदी जगह में गलत जगह पे जाता है। कोई बात नहीं, जाता है जाने दो, पर उसे डिलीट भी मारना सीखो। शाम को सोने के पहले सारे गलत विचारों को भूल जाओ, डिलीट मारो और अपने आप को अच्छे विचारों की तरफ ले जाओ। बार बार मन गलत तरफ जा रहा है, शाम को से निकालो गलत चीजों से और सही विचारों को पकड़ो, गलत विचारों को छोड़ दो। कैसे होगा? करने से होगा। सब चीज कैसे होती है? करने से सब होता है। क्यों? करने से ना होगा। हमारा और आपका शरीर लगभग एक सा है, आपके अंदर भी हड्डियां हैं, चमड़ी है, आंख है, हमारे अंदर भी वही सब चीजें हैं। हमने भी माँ का दूध पिया, आपने भी माँ का दूध पिया, आप भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, आप भी पानी पीते, हम भी पानी पीते, आप भी सांस लेते, हम भी सांस लेते, फर्क क्या है? सिर्फ विचारों का। हमारी और आपके बीच में ये जो दूरी है वो किसकी दूरी है? शारीरिक दूरी है या विचारों की दूरी है? हमारे और आपके बीच में अंतर क्या है? शरीर की नक्काशी तो एक सी है लगभग, सिर्फ विचार। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषियों ने, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछिताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाएं। इसलिए गलत विचार आए डिलीट मार दो, अच्छे विचारों को पकड़ के रखो, आपके अच्छे विचार आपको अच्छा बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, आपकी पूजा कराएंगे आपके विचार। आपके अंदर विचार आया बिजनेस करने का, कर लो, सफल हो गए तो वो विचार आपकी कीमत बढ़ा देंगे। नहीं, आपके अंदर विचार आया शराब पीने का, आपने शराब पी ली, शराब आपकी कीमत घटा देगी। गलत काम आपकी कीमत घटाते हैं और अच्छे काम आपकी कीमत, आपकी क्या कीमत है? आपके विचारों पर निर्भर करेगा कि आपकी कीमत क्या है। एक व्यक्ति होता है
जो 500 रुपए दिन में काम करता, दिन भर काम करेगा, मजदूरी करेगा, 500 रुपए। एक व्यक्ति होता है जो केवल 1 घंटे काम करता है और वो 5,000 रुपए कमा लेता है। एक इंजीनियर होता है, आपके लिए नक्शा बना के देता है और लाखों की फीस ले लेता है। एक डॉक्टर होता है, 5 मिनट भी नहीं लगता, पकड़ता है, चेकअप करता है, 500 रुपए 1,000 रुपए जो भी उसकी फीस होती है आप देते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगता, वो डॉक्टर आपको 5 मिनट भी नहीं देता और 5 मिनट के अंदर 500 रुपए ले लेता। एक आदमी है जो 8 घंटे काम करता है तो 500 मिलता है, और एक व्यक्ति वो है जो 5 मिनट में 500 कमा लेता है। हाँ या ना? और बड़ा दायरा आपका होगा, श्रेष्ठ विचार होंगे, तो बड़े बड़े सलाहकार सलाह दे, जैसे एडवोकेट, वकील, वकील से आप सलाह लीजिए, फ्री में नहीं देगा, फीस चार्ज करेगा, 1 घंटा आपके संग डिस्कस करेगा तो उसकी फीस 10,000 भी हो सकती है, और बड़ा वकील है तो 50,000 भी हो सकती है, और बड़ा वकील है तो 5,00,000 रुपए लेगा 1 घंटे का। हाँ या ना? बताओ, घंटे तो वही है, 8 घंटे मजदूर करता है 500 रुपए, और आदमी 1 घंटे का 5,000,000 रुपए भी ले रहा है, तो ये कहाँ, किस में चेंज हो रहा, शरीर में या विचारों में? आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा, आपके विचार, आपका, आपकी कीमत तय करेंगे। इसलिए आप जितने अच्छे विचार वाले बनेंगे, आपकी कीमत मार्केट में उतनी अधिक होगी, और जितने घटिया विचार लेके चलेंगे, आपकी कीमत उतनी कम होगी। चाय तो चाय है ना, सड़क के किनारे टपरों में जाके पी लो चाय, तो 5 रुपए की मिल जाएगी, 10 रुपए की मिल जाएगी। कितने की मिलती है? मैं तो पीता नहीं इसलिए मुझे रेट पता नहीं, कितने की रेट मिलती चाय? 10 रुपए की, 10 रुपए की चाय मिलती है टपरों में। हाँ या ना? पर वही चाय, थोड़ा VIP आप रेस्टोरेंट जाइए, होटल जाइए, तो वो वही चाय आपको 20 रुपए की मिलेगी। हाँ या ना? 50 रुपए की, हाँ देखो 50। फिर वही आप 5-star होटल में जाइए और वही चाय ऑर्डर कीजिए, तो वही चाय, थोड़ा दूध, थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ी शक्कर, थोड़ा पानी, वही चाय है, वही स्वाद है, पर 500 रुपए की मिलेगी। चाय वही है, पर वो चाय कहाँ है? एक टपरे पे है, एक होटल पे है, एक 5-star होटल पे है। संगत बदल गई ना, चाय की क्या बदल गई? संगत, टपोरी के संग, होटल के संग, 5-star के संग। आप भी टपोरियों की संगत करोगे ना, तुम्हारी कीमत भी 10 रुपए से ज़्यादा की नहीं है, और आप यदि अच्छी संगति करोगे तो आपकी कीमत करोड़ों की है। इसलिए कहता हूँ, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। पानी में लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, पर जब वही लोहे की नाव बन जाती है, मीन्स नाव में जड़ जाता है, सैकड़ों टन लोहा, बड़े बड़े जहाज लोहा होता है उसमें, लोहा, लेकिन डूबता नहीं है, तो लोहा डूब जाता है, पर नाव की संगति कर लेने से वो डूबने वाला नहीं, पार होने वाला, पार लगाने वाला बन जाता है। बात समझ में आई? तो कीमत किसकी है? संगति की। आप जितनी स्त्रियां हैं, आपकी फ्रेंड कौन है, सहेली? आपने किसी वैश्य से दोस्ती कर ली, तुम्हारी दोस्त है एक, वो वैश्या है, और तुमने उसकी दोस्ती की है, उसके संग आपका उठना बैठना है, तो देखने वाले लोग आपको भी उसी नजर से देखेंगे कि ये ऐसी है तो तुम भी तो बैठती हो उसके संग, तुम भी ऐसी होगी, तो लोगों का नजरिया आपके प्रति क्या होगा? वही होगा कि तुम भी वैश्या हो।
लेकिन तुम किसी मंदिर में किसी भक्त के पास बैठने लग जाओ तो लोगों को लगेगा ये देखो ये भक्त हैं जो भगवान के कीर्तन भजन में अच्छे विचारों से जुड़े अच्छे हैं। बस आपका बैठना उठना किनके साथ है, आप कुछ भी तय नहीं करते, आपकी संगति तय करती है। दुर्योधन कुछ भी नहीं था, दुर्योधन ने जो कुछ किया वो दुर्योधन ने नहीं किया, दुर्योधन की संगति ने कराया। ये बात सही है कि गलत है? दुर्योधन ने कुछ भी नहीं किया, किसने कराया? दुर्योधन संग किसका करता? शकुनी। शकुनी जो ज्ञान देता, दुर्योधन का कोई ज्ञान नहीं था, दुर्योधन की कोई अक्ल नहीं थी, उसकी पर्सनल कोई समझ नहीं थी, वो तो शकुनी के इशारों पे नाचता था। हाँ या ना? कैकेयी माता की कोई अपनी सोच नहीं थी, कोई अपने विचार नहीं थे, वो तो मंथरा के विचारों को फॉलो करती गई। कैकेयी माँ के अपने क्या विचार थे? कैकेयी तो खाली थी, विचार शून्य थी, फिर विचार किसने दिए? मंथरा ने, और मंथरा के विचारों को फॉलो कर लिया। आप जिनके विचारों को फॉलो करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। कैकेयी ने मंथरा के विचारों को फॉलो किया, दुर्योधन ने शकुनी के विचारों को फॉलो किया, और अर्जुन ने श्री कृष्ण के विचारों को फॉलो किया। तीनों की स्थिति आप देख लो। आप लोग हमारी संगति करोगे अनिरुद्धाचार्य की, तो हमारी संगति करते ही आपकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, आपके विचार कई गुना पवित्र हो जाएंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और आप टपोरियों की संगति कर लो, जैसे कि आज की युवा किन की संगति करते हैं? टपोरियों की, जो खुद तो कुछ करता नहीं है और तुमसे ये और कहता यार तुम ना कर पाओगे। आजकल आपके दोस्त क्या कहते हैं? खुद तो कुछ करते नहीं, खुद सिगरेट पी रहे हैं, खुद शराब पी रहे हैं, खुद बीड़ी पी रहे हैं, खुद गांजा पी रहे हैं, खुद दूसरों की बहन बेटियों को गंदी नजरों से देख रहे हैं, और आपने जरा उनके सामने कहा कि यार मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, यार मैं एक व्यापार प्लान कर रहा हूँ, एक मैं ऐसा, वो कहेंगे यार इसमें क्या रखा, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद असफल है। जो स्वयं असफल है वो आपको सफलता का सूत्र कैसे दे सकता है? सफलता का मंत्र तो वही दे सकता है जो स्वयं सफल हो। इसलिए कभी उनकी संगति मत करो जो निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा देखो, जो आदमी कुछ करना चाहता है पर सफल नहीं हुआ, उससे सलाह ले लेनी चाहिए। जो व्यक्ति सफल होने का प्रयास तो किया था पर सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार में सफलता नहीं मिली फिर प्रयास करो, दूसरी बार करो फिर सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, तीसरी बार करो कोई बात नहीं, चौथी बार करो कोई बात नहीं, पांचवी बार करो। आप बार बार असफल होंगे तो आप जितनी बार असफल होंगे उतनी बार आपको सफल होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। समाज में खतरनाक लोग वो हैं जो सफल होने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संगति से बचना। सफल होने के तुमने क्या काम किया? क्या किया? आजकल के लोग बस खटिया तोड़ रहे हैं, बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, बाप कमा कमा के दे रहा है, लड़का खा रहा है, मौज कर रहा है, टीवी देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, बढ़िया पराठे बनवा बनवा के मां से खा रहा है आलू के पराठे। कुछ नहीं करता, ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
ऐसी लोगों की दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, ऊर्जावान लोगों की दोस्ती करनी चाहिए, जो एनर्जी से भरे हों, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की भावना हो, ऐसी संगति करो तो आप सफल जरूर होंगे। तो पूरा खेल विचारों का है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मोबाइल में सब डिलीट मारते हो आप गंदी चीजें, ऐसे आप भी अपने दिमाग से सारी गंदगी हटाओ। और सास ने क्या कहा था, पड़ोसी ने क्या कहा था, उसने क्या, ये सब तो आपको भरा पड़ा। मैया, तुम्हारी सास ने 10 साल पहले कुछ कहा था, वो भी तुम्हें आज याद है। 20 साल पहले सास ने कुछ कह दिया था, वो सब कुछ याद है। क्यों याद है, क्यों नहीं डिलीट मारा इसे? अच्छी चीज बचाओ, बुरी चीजें नहीं।